everyone. Class 10th, we are discussing numerical based on convex mirror. Very soon I'll update a video for numerical based on concave mirror as well, but first we are updating video on numerical based on convex mirror. Already, I have already told you about sign convention and all that. We have a separate video for that. You can watch it if you don't know how to do the sign convention. I have taken three numericals in this video. All the three numericals, one numerical is a mixture of convex and concave. Two, in fact, are there, a mixture of convex and concave. Numericals are from Lakhmir Singh, page number 209, question number 4. Question says an object placed 20 cm in front of a mirror is found to have an image, 15 cm in front of it, first part, and B part behind of it, right? Behind the mirror. Find the focal length of the mirror and kind of mirror in each case. बेटा यहाँ पर object distance आपको दिया हुआ है और image distance दिया हुआ है, पर एक बार image front में बन रही है, अगर front में बन रही है तो concave mirror होगा क्योंकि real and inverted image बनाएगा, और behind बन रही है तो convex mirror होगा. मुझे पता है एक ऐसा भी है concave mirror में जब object between pole and focus होता है, पर कंकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है, और कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है. तो यहां से सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस, तो यू बेटा कितना दिया हुआ है 20, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से यू हमेशा नेगेटिव होता है. इमेज डिस्टेंस क्योंकि फ्रंट में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी. प्लस आई रिपीट, कंकेव मिरर में जो इमेजेस फ्रंट में बनती हैं रियल एंड इन्वर्टेड होती हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड में आप साइन कन्वेंशन टेबल से देख सकते हैं वी हमेशा नेगेटिव होता है. फोकल लेंथ की बात करें वो हमें निकाल ली है, ठीक है. बी पार्ट पहले ए पार्ट करते हैं फिर बी पे आते हैं. फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू मिरर्स फॉर्मूला, क्लास मिरर फॉर्मूला आप लगाएंगे. मिरर फॉर्मूला ये कहता है 1 by v plus 1 by u is equal to 1 upon f. यहाँ सभी को पता है u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस, f यानी फोकल लेंथ. तो बेटा v के प्लेस पे माइनस 15 रखिए, u के प्लेस पे माइनस 20 रखिए. फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, यू नो दैट. 20 और 15 का एलसीएम लीजिए, 5 3 4 4 3 12 5 60 ठीक है 20 और 15 का एलसीएम आ गया 60 60 by 15 is 4 and 60 by 20 is 3 तो यहाँ गया -7 by 60 equal to 1 upon f taking reciprocals f आ जाएगा बेटा -60 by 7 यानी कि ये लगभग -8.6 सेंटीमीटर आ जाएगा. और यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर काइंड ऑफ मिरर का मतलब है कि भाई वो कंकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है. क्लास तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, राइट. ठीक है, यू कैन टेक द पिक ऑफ दिस आल्सो. नंबर वन. नंबर टू, बी पार्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट, यू तो बेटा वही रहेगा -20, यू इज -20, राइट. अब इमेज बिहाइंड द मिरर है तो बताइए इमेज कैसी होगी. मैं फिर से बता रहा हूँ कन्वेक्स मिरर, आंखें बंद करें, कन्वेक्स मिरर और कंकेव लेंस दोनों वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाते हैं, राइट. तो वी कितना होगा बेटा, प्लस 15 होगा माइनस की बजाय, और प्लस क्यों होगा, क्योंकि जो इमेज का टाइप है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है. प्लीज आप साइन कन्वेंशन के लिए वीडियो देख सकते हैं अगर आपको साइन कन्वेंशन में जरा सा भी डाउट है तो, राइट. अब अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये कहता है बेटा 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. अब v के प्लेस पे 15, आप चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, लखमीर सिंह में से पेज नंबर 209 पर है फोर्थ क्वेश्चन. ओके, वैसे तो आंसर सही होगी बट स्टिल यू कैन चेक इट, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ माय डियर स्टूडेंट्स. 1 by 15 plus upon minus is minus, अगेन द एलसीएम इज 60 60 60 by 15 4, ये 1 by 60 आ गया, यानी कि 1 upon f. क्रॉस मल्टीप्लाई, वी हैव फोकल लेंथ इज प्लस 60, और बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मिरर का टाइप बताइए कंकेव या कन्वेक्स. कन्वेक्स.
कंकेव मिरर और कंकेव लेंस, जहां कंकेव वर्ड आ जाए वहां फोकल लेंथ नेगेटिव और जहां कन्वेक्स वर्ड आ जाए वहां फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो याद रखना कंकेव मिरर, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन वाज अ मिक्सचर ऑफ कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर, बोथ द केसेस विद द हेल्प ऑफ यू हैव फाइंड आउट फोकल लेंथ। हाँ कन्वेक्स ही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है ना तो कन्वेक्स, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है बेटा तो कॉनकेव, ठीक है। ये 8.686 नहीं है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सेज एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के बताने होते हैं, यहाँ देखिए साइज नेचर और पोजीशन ही बताने होते हैं हर बार। मैंने सारा डेटा लिख दिया है, एरो है कोई जिसकी हाइट है यानी कि ऑब्जेक्ट एरो है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है h1 प्लस 2.5 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, u इज ऑलवेज नेगेटिव माय डियर स्टूडेंट्स, u इज -25। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना न्यूमेरिकल में अपने आप ही रट जाएंगे साइन कन्वेंशन। डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर यानी कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर यानी कंकेव मिरर होता है। फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ दे रखी है 20 और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस दोनों में पॉजिटिव, याद रखना। मानव रचना वैसे ही आपका तो फुल सिलेबस ही आ रहा है, राइट, है ना। तो वी यानी इमेज डिस्टेंस और एस2 यानी हाइट ऑफ इमेज। तो ध्यान से देखिए, यू दिया हुआ एफ दिया हुआ, बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो। जब V, U और F में से कोई भी दो चीजें गिवन होती हैं ग्लास, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मिरर फॉर्मूला ये कहता है 1/V + 1/U = 1/F। अब V की बात करें, V बेटा कितना दिया हुआ है आपको, V हमें फाइंड आउट करना है। U कितना दिया हुआ ग्लास, -25 दिया हुआ, और फोकल लेंथ सर 20 प्लस अपॉन माइनस माइनस 1/20। ओके व्हाट यू डू इज टेक दिस 1/25 ऑन द राइट हैंड साइड, टेक एलसीएम ऑफ 20 एंड 25, 5 4 5 5 100 एलसीएम आ गया बेटा। तो ये हो गया 1/V = 9/100, तो V आ गया 100/9, और 100/9 करोगे बेटा 11.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब V आ गया अपने पास, अब हमें निकालना है H2, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स, राइट, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर लगाएंगे क्लास, वो होता है m = H2/H1 - V/U, m = H2/H1 - V/U। तो बेटा M की कोई जरूरत नहीं है, H2 आपको निकालना है, H1 कितना दिया हुआ प्लस 2.5 माइनस, मिरर में माइनस होता है लेंस में प्लस होता है, V by U, V आपने अभी अभी निकाला, 100/9 लिखना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट, 11.1 मत लिखना। और U बेटा कितना दिया, -25 दिया हुआ, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 25 4 था ये पॉइंट, हटा के 10 ले आओ, 5 2 था, 5 5 था, वी आर लेफ्ट विद 2H2/5 = ये माइनस से माइनस कट गया था, राइट, माइनस V by U था, ठीक है, ये दो माइनस कट गए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैसे ये भी कट रहा है 2 2 4, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा 9H2 = 10 आ गया, तो H2 आ गया 10/9 यानी कि 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्लास मैंने आपको काफी बार बोला है आंसर हमेशा ऐसे प्रॉपर लिखने होते हैं, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है, साइज, साइज हो गया कितना है साइज 1.1 सेंटीमीटर, इमेज का साइज 1.1। अब इसे कंपेयर करो 2.5 से, प्लस माइनस मत देखो, प्लस माइनस आर ड्यू टू साइन कन्वेंशन, राइट, तो 1.1 छोटा है 2.5 से, इसका मतलब है साइज हो जाएगा डिमिनिश। नेचर की बात करें, साइन कन्वेंशन टेबल देखो, V से भी बता सकते हैं नेचर, V पॉजिटिव, वैसे कन्वेक्स मिरर है बेटा, आंखें बंद करके, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, कन्वेक्स मिरर और कंकेव लेंस, हर बार नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन की बात करें, पोजीशन में V की वैल्यू देखते हैं, और कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर बनती है, तो 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका रे डायग्राम छोटा सा। देखो क्लास ये ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, सीधा सी इज कन्वेक्स मिरर। अगर रे डायग्राम बनाना हो तो ये पोल है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होते हैं। दो ही केस होते हैं, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी वाला केस है, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी वाला केस है ये। थोड़ा सा सीधा करो, ओके। सबसे पहले देखो फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी हमें, 20, तो यहाँ मार्क कर लो। फोकल लेंथ वैसे भी प्लस है इसमें है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मार्क करनी है वो 40 हो जाएगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। अब बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, 25 पे, ये रख दो आप अपना ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होते हैं, यू है -25। क्लास अब ध्यान से देखो, जो रे पैरेलल है वो ऐसे जाएगी, स्ट्राइक बैक करके चली जाएगी, पर ऐसे लगेगा फोकस से आ रही है, राइट। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स आ रही है वो भी रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएगी, पर ऐसा लगेगा सी से आ रही है, छोटी सी डिमनिश इमेज बनी है, देख रहे हो ना, तभी साइज मैंने डिमनिश लिखा था, ए डैश बी डैश बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है।